ओके सी ओ पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सो वैसे ये इमेजिन किया हुआ लाइन होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रिक लाइंस आर फील्ड लाइंस आर और यू कैन से इमेजिनरी लाइंस विच स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, विच स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे, जैसे अपना वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं था स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल, इट्स लाइक दैट वे ओनली कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे सपोज कर लो दिस वन, ये सपोज कर लो कि दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। सपोज अगर मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, सपोज अगर ये पॉजिटिव चार्ज, सो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर हो? सो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी, ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। आप कहेंगे व्हाई अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इट्स लाइक दिस वे। नाउ व्हाई, व्हाई अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज? तो मैंने आपको बोला था ना, जस्ट पुट अ वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज हियर, यहां पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रखो, तो टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा? रिपेल होगा, रिपेल होगा कि नहीं? और जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इसका मतलब प्लस चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाती। लेकिन अगर माइनस चार्ज हुआ देन, सपोज कर लो जस्ट हियर, अगर माइनस चार्ज हुआ देन, ठीक है जस्ट एक सेकंड बेटा, एक सेकंड हाँ, जस्ट अ मिनट, ओके नाउ लेट्स से, हाँ अगर सपोज कर लो मैं यहां पर एक चार्ज और ले लेता हूं, लेट्स से इट्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है सपोज ये नेगेटिव चार्ज लेंगे, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगी, ना वाई इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स क्यों है? वाई इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे ना, तो किधर जाएगा फिर? अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा दैट इज प्लस क्यू नॉट, तो टेस्ट चार्ज किस तरफ आएगा? टेस्ट चार्ज इधर की तरफ आएगा, तो दैट्स दैट, जिधर टेस्ट चार्ज जाता है ना दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात क्लियर हुआ? तो अगर टेस्ट चार्ज अवे जा रहा है तो इसका मतलब डायरेक्शन अवे है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर टेस्ट चार्ज टूवर्ड्स जा रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो फिर वो टेस्ट चार्ज क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। अब ये वर्ड यूज किया स्टार्ट, लेकिन ये स्टार्ट होकर जा कहां रही है? ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, लेकिन प्लस चार्ज को देखो, इससे अवे जा रही है, लेकिन जा कहां रही है? तो ध्यान से सुनो, ये प्लस चार्ज है, फर्स्ट वाले केस में देखो ये प्लस चार्ज है, इसका जो पेयर होगा ना माइनस चार्ज वो इंफिनिटी पर होगा, तो ये लाइन इंफिनिटी पर जा रही है अपने पेयर के पास। ये जो माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ कहां से रही है? इसका जो पेयर है माइनस का पेयर जो प्लस है वो इंफिनिटी पर है, तो वहां से लाइन्स आ रही है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समबड़ी आस्क यू लाइन्स कहां जा रही है, ये लाइन्स की जो आप अवे कर रहे हो, ये एरो जा किधर रहा है, एंड कहां पे होगा? तो आंसर इज एट इंफिनिटी, वहां पे इसका
जो पोलैरिटी वाला चार्ज होगा वो प्रेजेंट होगा इन्फिनिटी पे, अगर प्लस यहाँ पे तो इसका पेयर जो माइनस होगा वो इन्फिनिटी पे है, और अगर माइनस यहाँ पे है तो उसका जो पेयर होगा वो इन्फिनिटी पे है, तो प्लस से लाइन्स माइनस की तरफ आ रही है। Are you getting what I am saying, boys and girls? Yes, sir. ये प्लस से अवे क्यों जा रहा है, माइनस के टूवर्ड्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज से अवे जाएगा, माइनस चार्ज के टूवर्ड जाएगा, क्योंकि पहले वाले केस में रिपेल होगा तो अवे जाएगा, दूसरे केस में अट्रैक्ट होगा तो टूवर्ड जाएगा। इज इट क्लियर? और आपको ये भी मालूम है, जैसे आपने हाँ अगर प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट होते तो ठीक है, सपोज अगर प्लस माइनस दोनों प्रेजेंट होते तो लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट्स से अगर यहां पर दोनों ही प्रेजेंट है, सपोज कर लो एक प्लस और एक माइनस, प्लस क्यू वन माइनस क्यू टू, तो एक बार बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की तरफ जाएगा, हाँ जैसे प्लस से माइनस की तरफ जाएगा लाइक दिस वे, लेकिन ये इसका पेयर तो नहीं है, लेकिन ठीक है काफी लाइंस इधर जाएंगी। ठीक है, और अगर दोनों ही प्लस होते तो, अगर दोनों ही प्लस होंगे देन व्हाट विल हैपन, सपोज अगर दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं देन, तो व्हाट विल हैपन, दे विल रिपेल ईच अदर, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम इधर ऑल्सो, आपको याद है ये बात मैंने आपको एक बार बोला था, शायद मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ा रहा था, हाँ सो मैंने बोला था कि अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो नल पॉइंट किधर आता है, मैंने क्या बताया था, अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो नल पॉइंट किधर आता है, अगर लाइट चार्जेस होते हैं हाँ इन बिटवीन देम, तो देखो इस वजह से बिटवीन देम आता है, क्योंकि आप देखो ना बीच में लाइंस नहीं आ रही हैं, तो नल पॉइंट यहां पर आता है समवेयर बिटवीन देम, क्योंकि यहां पे लाइंस नहीं आ रही है नल पॉइंट, तो एक प्लस और माइनस में फिर लाइंस ऐसे, मैंने अच्छा मैंने ये भी बोला था अगर एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो फिर वो लाइंस किधर जाएंगी, जहां पर नल पॉइंट जीरो किधर होगा, जिधर छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो जरा सपोज कर लो अगर मैं ले लेता हूं एक प्लस फोर क्यू और एक छोटा और ले लेता हूं ये ले लेता हूं माइनस क्यू, तो ना तो ये इसका पेयर है ना ये इसका पेयर है, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस लाइन कुछ तो लाइन जाएंगी, तो यहां पे देखो लाइंस नहीं आ रही इस जगह पर, तो यहां पे जो नल पॉइंट बनता है, समझ में आया, यहां पे नल पॉइंट तो मैंने बोला ना छोटे मैग्नीट्यूड के बियॉन्ड नल पॉइंट आएगा, तो बिकॉज ऑफ दिस वन यहां पे नल पॉइंट आता है। आर यू गेटिंग द बाय, समझ में आया ना? यस, गॉट इट। अच्छा एक बात और है, जैसे आपने वो पढ़ा, हाँ आई थिंक कुछ बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के केस में क्या पढ़ते थे, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैसे मिलता था, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे भी ऐसी ही है, सेम जस्ट हियर, इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट हियर दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ, इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट हियर दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दैट विल गिव यू व्हाट डायरेक्शन ऑफ, इफ यू ड्रॉ टेंजेंट हियर दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आया? तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो रिमेंबर, एक सेकेंड, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन्स, टेंजेंट ड्रॉन ऑन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन फील्ड लाइन्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मैग्नेटिक में भी आपने पढ़ा होगा नो टू फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यहां पे भी होता है नो टू फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। क्योंकि सपोज कर लो जैसे अगर सपोज कर लो कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर यहां पे सपोज कर लो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे तुम अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक फील्ड इधर आ जाएगी और एक फील्ड इधर आ जाएगी, एक ही पॉइंट पे दो दो फील्ड मिल जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे दो फील्ड कैसे हो सकती, आर यू गेटिंग? तो कहने का मतलब क्या है कि नो टू फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट there are two directions of इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं एट अ पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो एक बात ध्यान रखना, हाँ कपड़ा दिस वन कहां से कॉपी करना है, इधर से, डू इट फास्ट। अच्छा एवरीवन, बॉयज एंड गर्ल्स, सब लोग ध्यान से सुनो। जल्दी करो बच्चा, थोड़ा ऊपर करो, मैं स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकंड सर, होने के बाद कर देंगे। इतना ठीक है सर, एकदम स्टार्टिंग में जो था। ओके ठीक है। अच्छा लेट्स से सपोज कर लो यहाँ पे एक Q1 है और एक Q2 है, तो तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं मालूम। तो व्हाट यू आर नोटिसिंग कि इस तरह से जा रही है, जैसी अब देखो ध्यान समझो, तो अगर कोई तुमसे ना चार्ज की वैल्यू पूछे या दोनों के चार्ज का रेशियो पूछता, तो तुम क्या करना, लाइंस काउंट कर लेना, लाइंस काउंट कर देना। Q1 से कितनी लाइंस निकल रही हैं काउंट करोगे तो Q1 से कितनी लाइंस निकल रही हैं, 5 इधर 5 इधर 10, और Q2 में कितनी लाइंस जा रही हैं, 5। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा, Q1:Q2। अच्छा Q1 में लाइंस निकल रही है तो पॉजिटिव है, Q2 में लाइंस जा रही है तो निगेटिव है। अच्छा इसमें 10 लाइंस जा रही है, नहीं Q1 से लाइन जा रही तो पॉजिटिव होगा, और Q2 में लाइंस
इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज. ओके, तो इसमें 10 लाइंस आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 5 जा रही है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, -2:1. अगर मॉड ले लेंगे तो यू कैन टेक 2:1. आर यू गुड मैम सिंह? इसका मतलब क्या समझ में आया कि नंबर ऑफ लाइंस, ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना, वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज होता है. इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज. तो लाइंस काउंट कर लेते हैं हम लोग. यू गॉट दिस वन? तो पॉइंट नंबर 3, 4 सबने कर लिया, कोई रह तो नहीं गया, 3 कर रहा है कोई, हो गया 3 एंड 4. पॉइंट टू तक सबका हो गया है. डन सर. सब लोग कंप्लीट कर लेना, मुझे बता देना, मैं स्क्रॉल करके फिर पढ़ाना स्टार्ट करूं. सर बट ये ऐसा क्यों होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड? क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा ना, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा, वो उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करेगा. तो जो चार्ज की वैल्यू होती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सराउंडिंग में होती है, वो दोनों प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है, मोर द लाइंस मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. जैसे मैग्नेट का नहीं होता, मैग्नेट जितना स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी ज्यादा लाइंस उसके चारों तरफ रहेंगी. सेम थिंग हियर आल्सो. अच्छा, जैसे वहां पे था वैसे यहां पे भी रहेगा कि क्लोजनेस ऑफ लाइन इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा. क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स इंडिकेट स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, क्लोजनेस ऑफ लाइन इंडिकेट स्ट्रॉन्ग रीजन वाइस वर्सा. अच्छा देखो, कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म भी होता है. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एक था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये नॉन यूनिफॉर्म है बच्चा, देखो ये जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है सर, ये नॉन यूनिफॉर्म. और यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड. ये यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्म मतलब parallel and equally spaced. parallel and equally spaced. तो basically हमारे जो syllabus में ना ज्यादातर uniform रहता, मतलब हमारे syllabus में most of the time जो electric field होगा ना, वो uniform electric field होगा. uniform मतलब उसकी value constant है, parallel and equally spaced. ठीक है. अच्छा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या ले लेंगे, दो प्लेट ले लेंगे. लाइक दैट से दिस इज वन ऑफ द प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट. ठीक है, और दोनों प्लेट को हमने एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया. Let the V इसका पोटेंशियल है,
डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो क्या होगा ये वाला प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला प्लेट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एंड नेगेटिव चार्ज, तो इनके बिटवीन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। एक्चुअली इतनी यूनिफॉर्म होती नहीं है बट हम लोग अज्यूम करते हैं, एक्चुअली वो ऐसे भी होती है लेकिन ये सब निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, अपना फायदा देखते हैं जिसमें ये सब निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो व्हाट इज द टर्म्स स्टैंड्स फॉर, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट, अक्रॉस प्लेट, डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, प्लेट्स, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है दैट इज E इज इक्वल टू V बाय D। तभी तो उसकी यूनिट आती है, दूसरी यूनिट आती है दैट इज वोल्ट पर मीटर, वो यहां से आती वोल्ट पर मीटर। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट 3-4 चैप्टर्स तक यूज करते रहेंगे और इवन और भी आगे यूज करते रहेंगे। रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, E इज इक्वल टू V बाय D। एक्चुअली बच्चा ऐसा होता है, पूरा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा होता है जिस बटे दोनों तरफ होता है लेकिन इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इट इज निगलेक्टेड हियर, तो फ्रिंजिंग्स आर निगलेक्टेड। तो वी आर अज्यूमिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, आर यू गेटिंग, फ्रिंजिंग याद रखना, फ्रिंजिंग दोबारा फिर काम आएगा कैपेसिटर के चैप्टर में कि फ्रिंजिंग क्या होता है। फ्रिंजिंग मैंने आज बता दिया है, फ्रिंजिंग ध्यान रखना एक्चुअली होता है इस तरह से, तो मैं इसमें से हटा देता हूं, वेट एक्चुअली ऐसे होता है, वेट एक काम करो यहां पर हटा दो, हाँ यहां से हटा देते हैं, मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको आगे चल के याद रहे जब दोबारा हम पढ़ाएंगे फ्रिंजिंग। दो प्लेट आपने इस तरह से लिया ना, दिस वन हियर प्लस और दूसरी माइनस लिया ऐसे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, इट्स लाइक दिस वे, फ्रिंजिंग्स आर निगलेक्टेड। तो हमने अज्यूम कर लिया जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, गॉट दिस वन। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, E इज इक्वल टू V बाय D, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट, D मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। Once you complete, inform me. Done, sir. Okay. Now. Okay. Oh, चले कोई बात नहीं, कर लीजिए. थोड़ा scroll up कीजिए. Okay, just a minute.
ओके ठीक है, ना एक काम करते हैं, कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं टेस्ट है, हम लोग थोड़ा पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है हम यहाँ पे पॉइंट अप करते हैं ये फॉर्मुले तक, पॉइंट नंबर 7 पे पॉइंट अप करते हैं हम, नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करेंगे इसको, ठीक है। सो डू वन थिंग, कॉपी अप टू क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7, पढ़ के आना मंडे को, हम प्रोसीड करेंगे। अच्छा जब भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर होगा पहले पढ़ के आया करो तुम लोग, ठीक है। सो ठीक है, कल टेस्ट तीनों एग्जाम्स के लिए है, जेईई और सीटी। हाँ ऑफ कोर्स तीनों ही है, फुल टेस्ट है। सर टाइमिंग क्या होगा? टाइमिंग तो देखो, लेट मी चेक इट, वेबसाइट चल भी रही है कि नहीं चल रही, लेट मी चेक इट, उसके बाद मैं टाइमिंग बता दूंगा। मॉर्निंग में होगा, 3-4 घंटे होंगे मॉर्निंग में जो स्टार्टिंग। सर इवनिंग में रखिए ना, क्योंकि फिर दिन मिलेगा ना पढ़ने के लिए। यस सर प्लीज। सर एक काम करते हैं, मैं जरा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आप लोग ये रिक्वेस्ट जो मुझसे कर रहे हैं आप सर से बोल दीजिएगा, ठीक है। चलो ठीक है सर, एक बार वो is equal to b upon d कैसे आया वो बोलो। नहीं नहीं, इसका डेरिवेशन अभी नहीं बताऊंगा, इसका डेरिवेशन मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने आपको v नहीं बताया ना, तो इसके बाद इस चैप्टर में मैं तुमको v नहीं बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी का आता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो वहां पे मैं v बताऊंगा, तो वहां पे इन दोनों के बीच रिलेशन बताऊंगा, ठीक है। तो ये रिलेशन मैं यहां पे नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, ओके याद रखना, मैं नेक्स्ट चैप्टर में रिलेशन बताऊंगा, तो ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर लीजिए आप लोग।